एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगी। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज नैनीताल का जो वेदर है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे धूप खिली हुई है आज। और आज हम जाने वाले हैं स्नो पॉइंट और वहाँ पे एक एडवेंचर पार्क भी, तो वहाँ पे भी जाने वाले हैं आज। और यहाँ से हमने बुक की है स्नो पॉइंट तक जाने के लिए एक बाइक, सो बाइक से जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। पहाड़ों में ना बाइक या स्कूटी से जाने का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। हम सुंदर सुंदर सी वादियों को देखते हुए पहुंचने वाले हैं स्नो व्यू पॉइंट। सो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं स्नो व्यू पॉइंट और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस वेयर करके फ़ोटो वगैरह अपनी क्लिक करवा सकते हैं। और यहाँ पर ना काफ़ी सारी फ़न एक्टिविटीज़ है जिसे बच्चे बड़े सभी कर सकते हैं। और साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मार्केट लगी हुई है छोटी सी। और यहाँ पे ना काफ़ी सारी ना डोर बेल सी, जिनकी आवाज़ सुन के वाओ बहुत अच्छा लग रहा था। और ये कितनी बड़ी है डोर बेल, इसे देख के तो मतलब मन खुश हो गया। हाँ, और यहाँ पर देख सकते हो ये बहुत अच्छे से डेकोरेट की हुई थी मार्केट, छोटी सी थी लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी। और आपको स्नो पॉइंट से जो जो पॉइंट नज़र आएंगे वो हैं टिफिन टॉप, शेरवुड कॉलेज, सेंट जोसेफ कॉलेज, कैमल्स बैक और सनसेट पॉइंट। नैनी लेक ना यहाँ से बहुत सुंदर लग रही थी। और ये जो सामने जो माउंटेन है ना, ये कैमल्स बैक की तरह है, देख सकते हैं आप, थोड़ा बहुत नज़र भी आ रहा है। साइड में जो ना दूरबीन लगी हुई थी, हम उससे कोशिश कर रहे थे कि हमें दिख जाए, लेकिन वो बंद थी तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा मैं भी देख ही लेती हूँ एक बार, दिख रहा है या नहीं। नज़र आया? वो बंद थी तो क्या ही नज़र आता, और आसपास कोई था भी नहीं जिसे हम बोलते कि एक बार हमें देखने दो। इस मार्केट में ना सच में बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स थे। और जब हवा चल रही थी ना, जो डोर बेल सी बाहर की साइड, उसके बाद बहुत ही प्यारी लग रही थी। और उसके बाद हम गए आगे की साइड और यहाँ पे भी मार्केट लगी हुई थी छोटी सी। और यहाँ पर ना साइड में सिटिंग एरिया भी है जहाँ पर आप अपनी मील इंजॉय कर सकते हो, ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सभी ऑप्शन था यहाँ पर। और अब हम बढ़े आगे की साइड, साइड है एडवेंचर पार्क और इस साइड से देखते हैं कैसा व्यू दिख रहा है। इससे से ट्रॉली जा रही है। ओके, अगर आप रोपवे के थ्रू स्नो पॉइंट तक आना चाहते हो तो आपको पहले बुक करनी पड़ेगी मल्लीताल मार्केट की साइड से, जिसके चार्जेस हैं 300 पर पर्सन। और हम तो खैर बाइक से ही आ गए थे डायरेक्टली। अब हम जा रहे हैं आगे एडवेंचर पार्क। साइड में ही यहाँ पे टिकट काउंटर है, लेकिन एंट्री करने से पहले ही काकू पीछे बढ़ गया कि साइड में ना एक डायनासोर वाला झूला था, वहाँ चलो वहाँ चलो, तो हम पहले उसी साइड गए। सो यहाँ पे काकू को मिल गया एक डायनासोर वाला झूला और यहाँ पे मज़े ले रहा है। काकू मज़ा आ रहा है आपको? ओके, जाओ। डायनासोर से डर लगता है? ये पार्क डायनासोर की थीम में बनाया हुआ है। इस पार्क की यहाँ से एंट्री और 60 रुपीज ईच टिकट है, लेकिन डायरेक्टली अगर आप आओगे तो लाइक मिनिमम आपको 2 जनों की टिकट्स लेनी पड़ेगी। और जो ट्रॉली के थ्रू आ रहे हैं उसमें इंक्लूडेड है। चलो काकू आप आगे चलते हैं, आपने बहुत झूला झूला बेटा, चलो। फाइनली हमने करी एडवेंचर पार्क के अंदर एंट्री, और एंट्री करते ही यहाँ पे राइट हैंड साइड था बम्पिंग कार और यहाँ पे टिकट काउंटर था। यहाँ पे भैया ने हमें बताया कि आप वीडियो वगैरह शूट भी करवा सकते हो और सबके चार्जेस आप सामने देख सकते हो। यहाँ पे ज़िपलाइन भी है लेकिन बहुत शॉर्ट है, यहाँ से लेकर वहीं पर वहाँ तक है बस। और ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको टावर, 360 एंगल के थ्रू आपको पूरा व्यू दिखाया जाएगा नैनीताल का। और एडवेंचर पार्क में आपको थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएगी, ज़िपलाइन हो गया या फिर साइकिलिंग हो गया, और या 360 डिग्री का आपको भी मैंने दिखाया था वो हो गया। तो सबके अलग अलग चार्जेस हैं और कॉम्बो का भी यहाँ पे हिसाब है। और इनकेस अगर आपको अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवानी है तो उसकी 100 रुपीज़ अलग से चार्जेज़ हैं ईच वीडियो के। और मैंने तो ज़िपलाइन ऑलरेडी की हुई है इसलिए मैं आज कर नहीं रही यहाँ पे। और मैं देख रही हूँ कि ज़िपलाइन जो एक डिस्टेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए भी नहीं कर रही मैं, क्या फ़ायदा जाओ और एकदम से एंड हो जाए। इसलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है पार्क। और इस साइड है गो कार्टिंग का, और लिखा भी हुआ भाई अपने रिक्स पे करो। देखो सामने से एक आ रही है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो काकू बोल रहा फिर से मुझे झूला झूलना है, तो जाते हुए एक बार हम फिर से झूला झूल लेते हैं। तो ये है वो एडवेंचर लाइक डायनासोर वाला, ये देख आवाज़ भी आ रही डायनासोर की, और यहाँ पे कार्टून सा डायनासोर लटक भी रहा है शायद, दिख रहा हो। आगे की साइड से दिखाती हूँ थोड़ा मैं आपको, कुछ नहीं है वैसे तो, वन टाइम ठीक है, देख सकते हो। जिसको डायनासोर से थोड़ा बहुत डरना है खुद से डर तो क्या ही लगेगा, लेकिन ठीक है। यहाँ से इसकी एंट्री है और यहाँ से फिर एग्जिट भी है। चलो काकू अब चलते हैं घर पे। बहुत सारा खेलना है ये काकू के मजे आ गया। काकू तो बस अपना स्लाइडिंग कर रहा है यहाँ पे, और
पहले भी करी काकू ने, फिर से बोल रहा है मुझे फिर से करनी है। मैं सोच रही हूँ मैं भी चली जाऊँ एक बार स्लाइडिंग करने। तू भी जा रही क्या? तो यहाँ पे बच्चों के साथ हम भी बन जाते बच्चे और हम भी कर लेते थोड़ी बहुत स्लाइडिंग। मजा है, खतरनाक है काकू मुझे। चलो मैं भी जाती हूँ, मैं भी करके आ रहा हूँ एक बार स्लाइड। One hour later. जल्दी आओ हम जा रहे हैं, वरना आज हम यहीं पे स्लाइडिंग ही करते रह जाएंगे बेटा। जल्दी आओ, ये चलो। सो हम पहुंच गए ऊपर की साइड जहाँ पर होती है शूटिंग। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं 50 रुपीज़ में हमें कितने टाइम 10 मौके मिलेंगे। और यहाँ से काफ़ी सुंदर हिमालय व्यू भी दिख रहा है। ठीक है, ओके, दोनों 5-5, देखते हैं किसका निशाना लगता है। ठीक है, मेरे दो लगे थे पिछले लास्ट टाइम। ओके ठीक है, आज मैं देखती हूँ मेरे लगते हैं। ये ऐसे का पहले तू कर। काकू आपको थोड़ी आता है, मम्मी करेगी, देखते मम्मी कितने निशाने में लगाती है। एक मिनट, रेडी है सपना शूट के लिए? चलो देखते हैं। ओ गुड शॉट, एक शॉट लग गया। नेक्स्ट देखते हैं कितने लगते हैं आउट ऑफ 5 लगा इस टाइम देखा। ओके 2 out of 2, क्या बात है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, इस बार मिस हो गया। बिल्कुल हल्का सा मिस हुआ है। सारे मिस हो रहे हैं। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर, एक भी नहीं लगा मेरा। चलो कोई नहीं। और हमें यहाँ से दिखा बहुत ही सुंदर सा हिमालय व्यू, जो कि अभी आपको वीडियो में शायद इतना अच्छे से नजर ना रहा हो, लेकिन सामने से बहुत ही सुंदर लग रहा था। और जाते वक्त हमें दिखे ये अंकल जी जो साइड में अपना स्टॉल लगा रहे थे, और इन्होंने हमें बोला कि मेरी सुबह सुबह बोनी करवा दो, तो हमने ले ली इनसे फ्रूट चाट जो कि बहुत टेस्टी हो रहे थे। ये किस चीज के पत्ते बना रखे अंकल जी? अच्छा, बुरांस की पत्तियाँ। लीजिए बेटा जी, धन्यवाद, शुभ यात्रा आप लोग के लिए। थैंक यू अंकल जी, धन्यवाद। तो हमारी फाइनली चाट आ गई है। हाँ, हमने सोचा सेव कुछ नमकीन वाली सेव होगी, लेकिन कोई नहीं। और ये ना पत्ता सही है, बुरांस का बनाया हुआ है, और चम्मच है यहाँ का नेचुरल स्पून, तो खाते हैं। अब उससे आप नहीं खा पाओगे बेटा, मैं सच बता रही हूँ। जो खाने का स्टाइल होता है, एक कला होती है, एक तजुर्बा होता है। ये सबसे बढ़िया लगा मुझे कि इन्होंने जो चम्मच बना रखा है वो बुरांस के पत्ते का बना रखा अंकल जी ने। सो लंच टाइम हो ही गया था, तो हमने सोचा कुछ खा लिया जाए, तो हमने यहाँ पे खाए राजमा चावल, आलू प्याज के परांठे, जो कि बहुत टेस्टी हो रहे थे। तो हमने अपने अपना लंच एंजॉय किया, उसके बाद हम निकल गए अपने घर की तरफ। सो बढ़िया से लंच करने के बाद हम वापस जा रहे हैं अब घर, और अब हम जाते वक्त जाएंगे पैदल, क्योंकि आते वक्त हम आ गए थे बाइक से, और जाते वक्त क्योंकि नीचे की साइड हमें जाना है, तो हम पैदल जाने वाले हैं। और आधे रास्ते तक जो रोड टू रोड का रास्ता है, उसके बाद कोई शॉर्टकट सा रास्ता है, वहाँ से होते हुए जाएंगे। जब रास्ता ना नीचे जाने का बढ़िया होना, तो मज़ा आता है, मतलब ईजी रहता है जाने के लिए। लेकिन वही रास्ता अगर उबड़ खाबड़ हो, अब बेकार सा रास्ता हो, तो वही रास्ता ना डेंजरस बन जाता है। लेकिन ये है कि यहाँ का रास्ता अच्छा है जाते वक्त, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आराम आराम से जा रहे हैं हम लोग। यहाँ तक रोड तक आए हम, अब यहाँ से हम जाने वाले हैं शॉर्टकट रास्ते से। आराम से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी बहुत टाइम बाद जा रही हूँ ऐसे रास्ते से। तो जहाँ जहाँ से पॉसिबल होगा शॉर्टकट रास्ता, हम वहाँ वहाँ से जाएंगे। जहाँ से नहीं होगा, थोड़ा डेंजरस होगा, वहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ काकू भी है। मैं तो पहुँच गई नीचे मेन रोड की साइड, आई ये लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। तो लगभग 1 घंटे बाद पैरों की बैंड बजाते बजाते हम पहुंच गए अपने घर। और यहाँ पर सोच रहे थे हमें कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाता तो वहाँ से आए थे, पर हमें कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं मिला, हमें लॉन्ग रूट से ही आना पड़ा। और अब हम पहुँच गए हैं घर पे। बस आज के ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगी आपको अपने न्यू ब्लॉग में, तब तक बाय एंड टेक केयर। बाय कर दो बाबू सबको। ओके, बाय बाय।